आखिरी पॉइंट है मेरा कि कॉमन सॉफ्टवेयर ब्रेकिंग मेथड्स क्या होते हैं। मेजरली चार ब्रेकिंग मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है फिक्स और क्रैकअप मेथड, जिसमें आपके पास एक फाइल होती है, उस फाइल को आपने उठाना है, उस जगह पे रख देना जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ठीक हो गया। बहुत बेसिक होता है, चीज उठाई खाली रख दी। दूसरा मेथड है पैच का, आपने फाइल उठानी है, वहाँ पे रखनी है, उसे रन करना है। जब रन करेंगे तो वो फाइल जब किसी और फाइल को मॉडिफाई करेगी, उसे चेंज करेगी, जिसे चेंज करने के बाद ज़्यादा सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाएगा, ठीक हो गया। तीसरा मेथड है कीगन या सीएल का, आपने एप्लीकेशन ओपन की, आपको उसका एक कोड मिल गया, एक कोड आप लगाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, आप उसे रजिस्टर करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। चौथा मेथड होता है आपका नॉन अपडेट या ब्रोकर का, उसका काम ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर को अपने मालिक से, अपने बात से रब्ता करने से रोक दे, उसकी सर्विसेज रोक दे, उसकी कोई कंडीशन रोक दे, या उसे वापस रब्ता ना करने दे अपने क्लाउड के साथ। जब तक अपने क्लाउड से रब्ता नहीं करने देगा, अपने आप को अपडेट नहीं देगा, तो आपको पकड़ा नहीं जाएगा कि आपको सॉफ्टवेयर क्रैक है, ठीक हो गया। आमतौर पर सॉफ्टवेयर दो दो पैरामीटर्स यूज करते हैं, आप एक पैरामीटर से नहीं हमारे सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो दो दो पैरामीटर करने पड़ते हैं। आपको फिक्स और पैच का करना पड़ता है कि हमने फाइल उठा के भी रखनी है, उसे कोई चीज़ रन भी करनी होती है। आपको अक्सर यह होता है कि फिक्स और कीगन करना होता है, फाइल उठा के भी रखने के साथ में आपको कीगन या सीरियल नंबर देना पड़ता है, ठीक है। अब उसकी कुछ लाइव एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं हम लोग। पहली लाइव एग्जाम्पल देखते हैं हम प्री क्रैक की। प्री क्रैक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पहले से क्रैक शुदा होते हैं, उन्हें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अक्सर विंडोज भी क्रैक की आती हैं, आपने उसे रन करना है, आपका सॉफ्टवेयर अपने आप क्रैक हो जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हैं तमाम फीचर्स के साथ, ठीक हो गया। कि ये सिंगल फाइल आप देख रहे हैं और कुछ नहीं करने की जरूरत, तो ये जो प्री क्रैक सॉफ्टवेयर। दूसरी बात करते हैं, ये है क्रैक सॉफ्टवेयर, ये देखें नीचे क्रैक लिखा है। इस क्रैक फाइल को मैं उठाऊंगा और जहां मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, इस फाइल को उठा के मैं उस जगह पे रखूंगा। जब ये रखूंगा तो ये डॉट एल आई सी जो है ये लाइसेंस फाइल होती है, ये उसे इस बंदे ने भाई लाइसेंस खरीदा हुआ है आपसे, ये उसे यूज करेगा, ठीक हो गया। ये लाइसेंस फाइल का एक हो गया फिक्स है। दूसरा देखते हैं मैं सीरियल, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, इसमें आप देख रहे हैं पैच भी है सीरियल भी है, आपको पैच भी रन करना पड़ेगा, सीरियल भी रन करना पड़ेगा। मैं आपको इनकी लाइव टाइम बता रहा हूँ, ये देखें उसने हमें सीरियल दिया हुआ है कि ये वाला कोड डालना है आपने, वो कोई भी ऐड लगा के अपने ई मेल डाल दें, ठीक हो गया। सारे कोड कैसे पता चलते हैं? ये देखें जो नीचे है ना, ये जो है सीरियल की है डेफिनेशन, आपको मैं पैच से भी दिखा देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाली लिंक, आप पहले ऊपर कोड देख लें yourname@anything.com, ये किसकी इन्फॉर्मेशन इस तरह की होती है, मुझे बता सकता है? ईमेल जी, ईमेल की, कोई भी ईमेल जो है वो इसी फॉर्म में बनता है, उसमें शो में आपका एक नाम आता है, फिर एक ऐड का साइन आता है, फिर कोई भी डोमेन आता है, ठीक हो गया। तो यहाँ से एक चीज हमें डिफाइन होती है कि ऊपर वाली चीज क्या है, मतलब ईमेल, ठीक है। उसने कहा कोई भी आप ईमेल लगा सकते हो, ठीक हो गया। योर नेम कोई भी नाम डाल दो, ऐड लगा के एनीथिंग कोई भी डाल दे। दूसरा उसके नीचे जो आठ थे, पांच कोड दिए हुए ना, इन्हें कहते हैं सीएल कीज या रजिस्ट्रेशन कोड्स, जैसा अभी कुछ देर पहले आपके साथ बता रहा था आपको। तो ये सीएल की रजिस्ट्रेशन कोड्स हैं, ये बने हुए होते हैं कंपनी की तरफ से, मगर वो सिर्फ एक देती है वो एक सॉफ्टवेयर के साथ। इन मोहतरम ने क्या किया, किसी तरीके से वो निकाल लिए, अब वो उसने क्या मैथड यूज़ किया वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, मगर उसने वो निकाल लिए, वो कंपनी से निकाले हैं, लोगों से निकाले हैं, कोई सोशल इंजीनियरिंग किया, वो डिफरेंट मैथड से आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद उसने एक ही फाइल में हमें पांच कोड दे दिए, ये साथ ये ट्राई कर लो, ये नहीं तो ये ट्राई करो, ये नहीं तो ये ट्राई करो, कोई ना कोई चल जाएगा, ठीक हो गया। ये तो हो गया आपका सी एल की, साथ में कीगन का पैच का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पी पैच F9 वाला, इसे मैं जब रन करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिकली नया सॉफ्टवेयर पैच कर देगा। इसके अंदर ऑलरेडी कोड लगा हुआ है कि ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर सी ड्राइव में जाएगा प्रोग्राम फाइल के अंदर, और ये उसकी डायरेक्टरी होगी, ठीक है। उस डायरेक्टरी में वो खुद ही से ढूंढेगा, खुद ही ढूंढने के बाद पैच कर देगा। कुछ सॉफ्टवेयर है जिनमें जब उस पैच पर क्लिक करते हैं तो आपको बताते हैं ढूंढ के दो कहाँ पे है, आपको फिर ब्राउज करके उस एप्लीकेशन को जाकर डबल क्लिक करना होता है, फिर उसे वो पैच करता है, ठीक हो गया। ये पैचिंग वाले भी हमें समझ में आगे बात आगे। लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑपरेटर ब्लॉकर का, ये दो तरीके से कर लेते हैं। एक तो बात है आप लोग खुद भी कहेंगे जब भी कोई आपको सॉफ्टवेयर क्रैक हो तो उससे आप लोगों ने अपडेट नहीं करना होता, ये हर किसी को ये इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप उसे अपडेट नहीं करना होता। उसके अलावा सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो कि खुद से वो रोक देते हैं कि वो आपको ऑप्शन ही देगा कि मैं अपडेट कर लूँ या ब्लॉक कर देता है उसकी अपडेट करेंगे बेटी को, ठीक हो गया। इस तरीके से आप क्रैक सॉफ्टवेयर को मिल जान कर सकते हैं।
इससे हमारे पे इलेक्ट्रिक मीटर है।